यस बेटा, गुड आफ्टरनून। डाउट्स पूछिए। 6.2 में तो कोई भी एनसीईआरटी मिसलेनियस पावरफुल, और 6.3 में एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 to 15। तो 13th क्वेश्चन एक डाउट है, उसके अलावा और कोई डाउट है तो वो पूछे आप। 13th नंबर है, उसके अलावा और कोई डाउट, कोई एग्जांपल या क्वेश्चन? 6.3 सिक्स पॉइंट थ्री या टू बेटा? सेवन यस बेटा, 6.7 क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का, फिर से बोलिए। 6.3 सिक्स पॉइंट ठीक है। यस बेटा, बताते हैं बताते हैं बेटा। क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन है, पैरेलली क्वेश्चन एट नाइन। टाइप क्या बेटा? फाइंड द पॉइंट। आगे जो भी कंडीशन दे रखी है, फाइंड द पॉइंट। तो बेटा ट्रिक क्या है, जब भी फाइंड द पॉइंट वाले क्वेश्चन हो, कॉन्टेक्ट पॉइंट लेट द पॉइंट पी एक्स वाई, आगे जो लिखा है वो लिख दो। फाइंड द पॉइंट में क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, लेट द पॉइंट लिख के आगे जो लिखा है वो लिख दो। क्वेश्चन देखिए बेटा, सेवन कह रहा है फाइंड द पॉइंट। On graph this, y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7, where tangent parallel to x axis. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा, सॉल्यूशन। वो पॉइंट बताइए जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो फाइंड द पॉइंट की वजह ट्रिक क्या बताइए, फाइंड द पॉइंट की वजह क्या लिख देंगे, लेट द पॉइंट। जैसे लोअर क्लासेज में आपको सिखाया गया है, जो चीज नहीं पता उसको हम सपोज करते हैं। इस ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट पी एक्स वाई है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये ट्रिक, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सॉल्यूशन का। फिर देखें बेटा, ग्राफ अगर मान लो कैसा भी ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। हो सकता है इसकी शेप कुछ और हो, ये तो रफ आइडिया। ये एक्स एक्सिस, इसके ऊपर इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स हैं। हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये टेंजेंट, ये फर्स्ट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स। अब देखो टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है, बस यही ट्रिक है। टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है तो क्या गिवन हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। दो चीजें पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल हो। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्या कहेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स एक्सिस के स्लोप को क्या देंगे, जी। तो बस अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भूल जाओ और फिफ्थ चैप्टर ध्यान दें, फिफ्थ चैप्टर में ये होगा कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे जीरो है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे जीरो है। तो ये फिफ्थ चैप्टर बनता है। फिफ्थ चैप्टर में क्वेश्चन पूछते हैं भी, फाइंड द एक्स वाई वेयर द डेरिवेटिव इज जीरो। तो बस डेरिवेटिव क्या करेंगे, 3x² माइनस 6x माइनस 9, 3 से डिवाइड, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो
x माइनस थ्री एक्स प्लस वन बनेगा। x के दो आंसर आ गए, एक तो थ्री और एक वन। क्वेश्चन पहले भी करवाया था, फिर कोई डाउट है तो आपको पूछ लो। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, किसी एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट पता है, थ्री बताया था ग्राफ, ऐसे भी तो हो सकता है, तीन चार जगह टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ गए, तीन चार जगह, तो एक तो x3 है और एक x क्या है, वन। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो आपको बताया हुआ है ग्राफ की इक्वेशन में, पुट कर दिया जाएगा। तो x3 है तो y क्या होगा, पुट कर दो, क्या बनेगा बेटा, x को 3 पुट करेंगे तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, तो 27, 27 तो कैंसिल, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20, x 1 है तो y क्या होगा, पुट कर दो, 1 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 7, तो माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, तो दो आंसर आ गए बेटा, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आ गए, कॉन्टैक्ट जहां पे टेंजेंट और ग्राफ मीट कर रहे हैं, कौन कौन से आए, 3 माइनस 20 और बेटा 1 माइनस। आपको स्टेप नंबर पूछना है बेटा, कोई डाउट है आराम से नोट कीजिए और चेक करें। बेटा ये कैलकुलेशन क्या बनी, कैसा है ये, 3 इन क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, कर लीजिए बेटा नोट। स्टेप पूछिए बेटा, स्टेप्स, ये था सेवंथ क्वेश्चन बेटा, और पूछिए बेटा नंबर सर, ट्वेल्थ बताना सर, ट्वेल्थ नंबर, कौन सा स्टेप बेटा, ट्वेल्थ नंबर बताना सर, ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, यस बताते हैं, ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन बताते हैं, उससे पहले कोई डाउट, 6.2 और 3 दोनों कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा बेटा। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, कर लीजिए ये वाला नोट, 12th नंबर क्वेश्चन, रब कर रहे हैं बेटा ये, समरी ऑफ 6.3 फिर से बताते हैं क्या था इस एक्सरसाइज। कोई भी ग्राफ है बेटा y इक्वल टू fx, इस पे इनफिनिट मेनी पॉइंट्स है, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट p x1 y1, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल की इक्वेशन के, ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल, तो चाहे आपको टेंजेंट चाहिए चाहे आपको नॉर्मल चाहिए, आंसर क्या होगा, वाई माइनस वाई वन, दोनों ही केसेज में सेम आंसर होगा, केवल m की वैल्यू में फर्क होगा बेटा,
एम क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, अगर टेंजेंट है तो, और क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर नॉर्मल है तो। बस ये इस एक्सरसाइज की समरी है। आंसर ये होगा y माइनस y1 इज m x माइनस x। y माइनस y1 इज m x माइनस x, जो प्लस और प्लस कर देते हैं। m क्या है dy upon dx अगर टेंजेंट है, m क्या है नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर नॉर्मल है। करिए नोट, 12th क्वेश्चन बताते हैं बेटा, 12th नंबर बताते हैं। पूछना बेटा मैं कुछ इसमें देखो, 12th नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन 12th इज कह रहे उन लाइंस की इक्वेशन बताओ जिनका स्लोप जीरो है और इसके टेंजेंट है इस ग्राफ के, y इक्वल टू टेंजेंट निकालने, टेंजेंट बताना है इसके तो टेंजेंट है और इसका स्लोप जीरो। इसके टेंजेंट है और स्लोप जीरो है, जनरल नॉलेज खैर ग्राफ तो ऐसा बनेगा स्लोप जीरो बनेगा, पर कैसे बना लो कोई फर्क नहीं। ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है तो आइडिया के लिए। तो बेटा चाहे टेंजेंट चाहिए चाहे नॉर्मल चाहिए, वी नीड टू थिंग्स। एक तो बेटा कॉन्टैक्ट पॉइंट, और एक स्लोप। टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो बेटा कॉन्टेक्ट पॉइंट जैसे y माइनस y1 m x माइनस x1, तो x y में तो आंसर आएगा m और x1 y1 चाहिए। तो इसमें एक चीज तो पता है हमें
एम तो हमें पता है, दूसरी चीज कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए। मान लो पी एक्स वाई के इक्वल है एक्स वन वाई वन भी लिख सकते हैं, एक्स वन वाई वन भी लिख सकते हैं, मान लीजिए पी एक्स वाई के ही इक्वल है। तो बस एम तो पता लग गया, एक्स वन वाई वन और पता लग जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स। अब देखो एम जीरो है, एम जीरो का क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव डेरिवेटिव कैसे निकालना है इसका, डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं या बॉक्स पावर एम से भी निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे फर्स्ट का, बॉक्स पावर एन से या वन ओवर ये डिवीजन रूल से भी, पावर डाउन वन लेस और बॉक्स का फिर से फर्स्ट फिगर में कोई डाउट, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, डेरिवेटिव को जीरो रखा तो ये आ गया टू एक्स माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये तो कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आया वन, दूसरा कैसे निकाल, तो x1 है तो y कहां से निकाले, इसको पुट कर दो जैसे लोअर क्लासेज में करते थे, x1 y क्या होगा 1 ओवर 1 माइनस 2 प्लस 3 तो 1 बाय 2 आ जाओ जी 1 बाय 2 तो जो चीज थी तो 1/2 आ गया। हाँ जी तो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हुआ, तो एक तो बेटा स्लोप पता लग गया जीरो है और कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या आ गया एक्स वन वाई वन वो किसके इक्वल है 1/2। अभी यहां तक कोई डाउट आराम से नोट कीजिए और चेक करो। फोर्थ बताना सर, फोर्थ से फोर्थ बताते हैं बेटा, फोर्थ नंबर करते हैं एक्सप्लेन। फोर्थ नंबर इज स्लोप जीरो है तो स्लोप का क्या मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप का क्या मीनिंग है डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे वाई का, वैसे तो प्लस वन क्लास का क्वेश्चन है यू बाई वी रूल, उससे करो या डिवीजन खत्म करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस वन, तो रूल क्या कहता है पावर डाउन वन लेस डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टू एक्स माइनस टू इज जीरो। एक्स वन आ, एक्स वन है तो वाई क्या है किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दिया तो 1/2 तो कॉन्टेक्ट पॉइंट 1/2। स्टेप्स लिख दिए बेटा, पूछना आसान है आपको केवल स्टेप पूछना है। तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, सिंपल बस, टेंजेंट इज फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला देन पुट द वैल्यूज, वाई वन इज 1/2, एम इज जीरो, एक्स वन इज वन तो टू
y minus half is 0. Answer, yeah, 2y minus 1 is 0. सेवन एट नाइन टेन स्टेप्स पूछ सकते हैं बेटा आप, कोई डाउट है तो स्टेप पूछिए। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो बोले आप। टू वाई माइनस वन इज जीरो आंसर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन डाउट है वो बताते हैं बेटा। स्टेप पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो स्टेप, कोई डाउट पूछना तो। रख लो जी, जी थर्टींथ बताते हैं बेटा फिर, इसी में जनरल नॉलेज। अगर इस क्वेश्चन में नॉर्मल पूछता तो बेटा कॉन्टैक्ट पॉइंट तो यही रहता, स्लोप क्या होता, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस वन बाय जीरो या माइनस इनफिनिटी। तो नॉर्मल क्या रहता, आंसर तो यही रहेगा, एम की वैल्यू में फर्क रहेगा बस, आंसर यही है। एम क्या हो गया, माइनस वन बाय जीरो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर पूछता नॉर्मल तो जान सकता। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा टेंजेंट चाहिए चाहे नॉर्मल चाहिए, आपको दो चीजें नोट करनी है, स्लोप और पॉइंट। स्लोप इसमें दे रखा था, पॉइंट निकाल लिया। पॉइंट कैसे निकाला, स्लोप की वैल्यू dy / dx। 13th नंबर कब कर रहे हैं बेटा ये, 13 ग्राफ गिवन है x स्क्वायर / 9 प्लस वन की नॉलेज है तो उसको पता ये एलिप्स का ग्राफ है। खैर कह रहा है कि इस ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है और टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 9 तो अलग, x स्क्वायर का 2x, 1 बाय 16 अलग, y स्क्वायर का 2y dy / dx, 2 से डिवाइड, तो dy / dx का क्या आंसर आ गया, माइनस x बाय 9 उधर चला गया, 16 बाय y dx। डेरिवेटिव यानी ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट इसमें पुट कर दिया जाए। फर्स्ट पार्ट फाइंड द पॉइंट वाला टाइप, आज भी एक सेवंथ क्वेश्चन हुआ, फाइंड द पॉइंट।
where tangent parallel to x axis. क्या दो जी बोलो वो पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फाइंड द पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे लेट द पॉइंट कौन सा पी एक्स पर जो आगे क्वेश्चन में लिखा है वो आगे लिख देंगे वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस अब टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है बेटा टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है तो टेंजेंट और एक्स एक्सिस का स्लोप इक्वल है टेंजेंट और एक्स एक्सिस का स्लोप इक्वल है टेंजेंट का स्लोप क्या है डी वाई अपॉन डीएक्स एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है x एक्सिस का स्लोप जीरो होता है जो चीज बिल्कुल तो dy / dx क्या है -16x / 9y इन चीज क्रॉस मल्टीप्लाई तो x का आंसर जीरो है तो ये तो एक कोऑर्डिनेट है दूसरा कैसे निकाले ग्राफ में पुट करके फर्स्ट में पुट करके x जीरो तो y क्या आएगा जीरो प्लस y स्क्वायर / 16 तो y का क्या आंसर आ गया 16 उधर प्लस माइनस 4 तो आंसर क्या आया x 0 हो सकता है तो माइनस हो सकता है 0 हो सकता है और माइनस 4 दो पॉइंट्स ऐसे ये वन नंबर इक्वेशन दे रखी थी टू नंबर फाइंड द पॉइंट प्रोडक्ट क्या थ्री नंबर दोनों के स्लोप्स के ऊपर क्या फोर्थ स्लोप 0 के ऊपर x का आंसर 0 आ गया टेबल बनाई देयरफॉर आंसर आ गया कि आर स्टेप्स बोर्ड पे आप नंबर बोलिए बेटा ये तो फर्स्ट पार्ट आराम से चेक कीजिए और नंबर बोलें आप कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप यस बेटा नंबर पूछिए 1 to 8 स्टेप्स फिर से देखिए बेटा ग्राफ की इक्वेशन दे रखी है बेटा स्लोप कैसे डेरिवेटिव लिया पहले 1/9 तो अलग x स्क्वायर का 2x 1/16 अलग y स्क्वायर का 2y dy / dx वन का डेरिवेटिव जीरो बोथ साइड डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव माइनस 16 एक्स ओवर 9 बाई आ गया ये तो फिफ्थ चैप्टर अब फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड द पॉइंट की जगह लेट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ट्रिक बताई है फाइंड द पॉइंट को लेट द पॉइंट तो टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट और एक्स एक्सिस का स्लोप इक्वल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को dy / dx x एक्सिस के स्लोप को 0 तो -16x और 9y 0 तो x 0 आ गया x 0 है तो y कैसे आएगा फर्स्ट में पुट करके प्लस माइनस 4 आ गया तो 0 4 0 माइनस 4 आंसर है नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड पार्ट वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है सेकेंड पार्ट टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस बिल्कुल इसी तरीके से तो टेंजेंट और वाई एक्सिस पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इक्वल स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई / dx और वाई एक्सिस का स्लोप एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट तो टेंजेंट 90 हो जाएगा जो कि इंफिनिटी
वैसे भी बताया गया जो चीज बिल्कुल वर्टिकल बनेगी तो उसका स्लोप क्या होगा, डोंट यू थिंक? तो dy / dx आया क्या हमारे पास, तो दे रखा है -16x / 9y is infinity 1/0. ये चीज इंफिनिटी कब बनेगी, जब y 0 होगा या क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे देखिए ये चीज इंफिनिटी कब बनेगी, जब y 0 होगा या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक ही बात है. y 0 तो x क्या होगा, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x square equal to 9, तो x का आंसर प्लस माइनस 3 आया, तो दो पॉइंट्स आए 30 और माइनस 30, आंसर 8, 9, 10, 11, 12, 13 टेबल बनाई, 14 आंसर लिख दिया. आराम से नोट करें और कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछ लें. ये आंसर आ गया. स्टेप्स पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर. स्टेप नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो. यस बेटा बोलिए बेटा, टाइप कीजिए आप अपना मैसेज, आपकी आवाज ऑडियो कम आ रही है बेटा. पूछिए रिपीट करते हैं बेटा. यस रिपीट करते हैं बेटा. देखिए बेटा, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, 1/9 अलग, x स्क्वायर का 2x, 1/16 अलग, कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y, dy / dx इज 0. तो x / 9 को उधर लेंगे -x / 9, y / 16 को उधर लेंगे तो 16 / y, तो 16x / 9y आ गया, ये dy / dx है. अब वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो फाइंड की जगह लेट लिख देंगे, लेट द पॉइंट बी px / y वेयर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस. तो टेंजेंट और x एक्सिस पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट और x एक्सिस का स्लोप इक्वल मिलेगा. स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy / dx, x एक्सिस का स्लोप 0. डेरिवेटिव निकालना हुआ है वो 0 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया. x 0 तो y क्या होगा, फर्स्ट रो फिट कर दिया, 0 प्लस y स्क्वायर / 16 इज 1, तो y प्लस माइनस 4, ये फर्स्ट पार्ट आ गया. सेकंड पार्ट, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट और y एक्सिस का स्लोप इक्वल होगा, डेरिवेटिव इंफिनिटी के इक्वल होगा, ये इंफिनिटी के इक्वल, तो ये इंफिनिटी कब बनेगा, जब y क्या होगा 0, या क्रॉस मल्टीप्लाई किया y 0 तो x प्लस माइनस 3 आ गया. फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट किया, एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कर लेंगे आप हमें, फिर से ज्वाइन कीजिए.